साबुदाना खिचड़ी अनेदी एदैना उपवास रोजुल्लो अत्यंत इष्टमैना मरियु प्रसिद्ध वंटकम अयिते इदी नवरात्रि उपवासंलो प्रत्येकंगा चेयवलसिन प्रधानमैन वंटकम ई खिचड़ी शाकाहारी मरियु ग्लूटेन रहित भारतीय चिरुतिंड्री साबुदाना खिचड़ी कूड़ा ओक प्रसिद्ध महाराष्ट्र अल्पाहारम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ई वीडियो नी फर्स्ट टाइम चूस्तुन्नट्लयिते मा चैनल नी लाइक चेयंडी, शेयर चेयंडी एंड सब्सक्राइब चेयंडी। पक्कने उन्न बेल आइकॉन नी प्रेस चेयंडी। आज की हमारी डिश है साबुदाने की खिचड़ी। तो आज हम बनाएंगे साबुदाने की खिचड़ी। लोगों को कंफ्यूजन रहती है जब भी वो साबुदाने की खिचड़ी बनाते हैं तो वो क्या होता है, अक्सर करके या तो वो बहुत ड्राई हो जाता है या तो बहुत वेट हो जाता है, जिसमें खिचड़ी खिले खिले नहीं बनती है। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे साबुदाने की खिचड़ी को आपको खिला खिला बनाना है। प्रतिमा जी, ये जो साबुदाने का खिचड़ी बनाने के वास्ते क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए थोड़ा बताइए ना। तो अभी जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो साबुदाना है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से साफ करके 5 to 6 आवर्स के लिए सोक किया था। तो अगर आप इस तरह से सोक करते हैं अच्छे से साफ करके, तो आपका साबुदाने की खिचड़ी हमेशा खिले खिले बनेगी। उसके अलावा हमें पोटैटो चाहिए, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। अभी मैं पील ऑफ करती हूँ और कुछ थोड़े बहुत सॉल्ट, क्यूमिन और ब्लैक पेपर है, उसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। और ये वाला क्या है प्रतिमा? ये साबुदाना है। ओके। जिसको मैंने बताया, मैंने अच्छे से साफ करके 6 आवर्स के लिए सोक कर लिया। तो ये देखिए कितने अच्छे से सोक हो गया है। कितने आवर्स के लिए करना चाहिए? मैं यूजुअली 6 आवर्स के लिए रखती हूँ, मुझे बेस्ट लगता है। तो 6 आवर्स तो आप एटलीस्ट रखिए। 6 आवर्स एटलीस्ट रख लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, साबुदाने की खिचड़ी के लिए जो हमें चाहिए साबुदाना और आलू। उसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टमेटो कट किया हुआ है, ग्रीन चिली कट की हुई है, और ये जिंजर है क्रश किया हुआ, ये करी लीव्स है, मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है, आप धनिया पत्ता ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये लेमन यूज़ करूँगी, और ये मैंने ब्लैक पेपर और क्यूमिन सीड्स को थोड़ा सा क्रश कर लिया है रोस्ट करके। साबुदाने की खिचड़ी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें फ्राई की थी, तो कढ़ाई में ऑलरेडी ऑयल था, कम करके मैंने ये ऑयल बचा लिया है। अब खिचड़ी बनाते हैं, तो ये ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी मैं इसमें क्यूमिन सीड्स डालूंगी। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्यूमिन सीड्स डाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें करी लीव्स डालूंगी। बोलो क्या डाली हो? मैंने करी लीव्स डाली है। करेपाक वेसारु चूडंडी। हाँ, तर्वाता थोड़ा जिंजर डाल रही हूँ। अल्लम, मेरी करी लीव्स में थोड़ा सा वाटर था, इसलिए आप देख रहे होंगे ऑयल स्प्लिट हो रहा है। अब मैं डालूंगी इसमें ग्रीन चिली, पची मिर्ची। हाँ, पची मिर्ची, इसको हल्का सा फ्राई हो जाने देंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। టమాటా కూడా మనం అన్నీ పెట్టుకున్నవి, టమాటా కూడా వేస్తుంది చూడండి. కొంచెం అది మరిగిన తర్వాత టమాటా వేసేసేయాలన్నమాట. आप देख सकते हैं इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और इस जब आप इसे तड़के में डालते हैं ना गरम तेल में, जीरा, अदरक और करी लीव्स, तो बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि देख रहे हैं मेरे मसाले फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर को मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। इसी में मैं सॉल्ट के बाद में मैं इसमें ही टमाटर में सॉल्ट ऐड करना चूडंडी। కావలసినంత మనం వేసుకోవచ్చండి ఉప్పు. ఇస్సే బెనిఫిట్ ఏ హోగా కి హమారి టమాటర్ జల్దీ సాఫ్ట్ హో జాయేంగే. ఓకే, సాల్ట్ డాల్నే సే. ఓ, సాల్ట్ డాల్నే సే.
टमाटर को फ्राई करते हैं हम यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं ये टमेटोज फ्राई कर रही हूँ। मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स में ये फ्राई हो जाएंगे, और आप थोड़ा और ज़्यादा फ्राई करना चाहते तो 6 to 7 मिनट्स इनफ है टमाटो को फ्राई करने के लिए। अब मैं इसमें पोटैटोज ऐड करूँगी, आलू। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टमेटो मेरे फ्राई हो गए। मेरे को ज़्यादा फ्राई टमेटोज पसंद नहीं है, तो मैं इस लेवल तक ही फ्राई करती हूँ। अगर आपको ज़्यादा फ्राई करना है तो आप कर सकते हो, और अगर आपको कम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसमें आलू वेस्ट अंदर अब पोटैटो डालने के बाद 1 to 2 मिनट्स हम पोटैटो को फ्राई करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे ही मैंने पोटैटो डाला है, साथ ही साथ मैं अपना आप देख पा रहे हैं ये क्यूमिन और ब्लैक पेपर का जो पाउडर है ये भी ऐड कर दूंगी। ये क्यूमिन और ब्लैक पाउडर कंपलसरी, इससे एक्चुअली टेस्ट एनहेंस होता है। ओके। सो जैसा कि आप लोग को पता है मैं नॉर्थ से हूँ, आपने 2-3 मेरी डिशेस देखी होंगी तो आपको मेरी लैंग्वेज से पता चल गया होगा। तो एक्चुअली यूजुअली आज मैं फास्ट कर रही हूँ, तो फास्ट में हम जिंजर तो हम यूज़ करते हैं, गार्लिक और ऑनियन यूज़ नहीं करते। तो हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं ये बना रही हूँ। तो अभी मैंने इसमें ना अनियन यूज़ किया ना गार्लिक यूज़ किया, तो टेस्ट लाने के लिए मैंने इसमें क्यूमिन सीड्स और ब्लैक पेपर क्रश करके डाला है, सो दैट टेस्ट अच्छा आ जाए। और मैंने सॉल्ट भी जो यूज़ किया है वो पिंक सॉल्ट यूज़ किया है, रॉक सॉल्ट। यूजुअली हम लोग फास्ट में पिंक सॉल्ट ही खाते हैं नॉर्थ में, और पोटैटो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, साबूदाना खाते हैं। तो अभी हम इसे 1-2 मिनट फ्राई होने देते हैं। फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें साबूदाना ऐड करूँगी। जैसे कि मैंने बताया था मैंने 6 आवर्स इसको सोक किया था, तो अब ये रेडी टू यूज़ है। मैं उड़कबेट्टिन सग्गु बियम उंदी कदंडी, ఆ సగ్గు బియ్యాన్ని మనం ఇలాగ వేసేయాలండి। साबूदाना डालते ही हम इसे अच्छे से चलाएंगे। ओके। ఆ వడకబెట్టిన సగ్గు బియ్యం అంతా ఈ ఆలూ దానిలో వేసేసి ఇలాగ బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట, అది కిచిడి లాగా వస్తుంది చక్కగా। साबूदाना डालने के बाद हमने इसे अच्छे से स्टीर कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसे थोड़ा देर कवर कर लेंगे। जो फ्लेम है उसको मैंने स्लो कर दिया है, 2 to 3 मिनट्स के लिए मैं कवर करूँगी, सो दैट जो हमारे साबूदाने हैं ना वो ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे। ఇలా మనం మూత పెట్టేసుకోవాలన్నమాట, సగ్గు బియ్యం వేసేసాం కదండి, సగ్గు బియ్యం టమాటా ఆలు పచ్చిమిరపకాయలు అవన్నీ వేసేసి మనం ఉడకబెట్టుకున్నవన్నీ ఉడకబెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇలాగా అంత సగ్గు బియ్యం కిచిడీలాగా వేసేసి తయారవుతుంది అన్నమాట। अभी मैं एट लास्ट इसमें लेमन यूज़ करूँगी। लेमन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, इससे थोड़ा चटपटा टेस्ट आ जाता है, तो फास्ट में खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। మనం నిమ్మకాయ కూడా పిండుకొని చక్కగా వేసుకోవొచ్చుండి, చూడండి ఇది మనకి బాగా ఉడికిపోయింది చూడండి। ये कितने मिनट तक उबालना पड़ता प्रतिमा? अगर आप इसमें साबूदाना डालते हैं तो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स 4 मिनट्स आपकी साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो जाती है। मैं आपको बता रही हूँ तो आपको लग रहा होगा टाइम लगता है, बट ये बहुत ही जल्दी आई गेस 15 मिनट्स में रेडी होने वाली रेसिपी है, अगर आपने सारे इंग्रेडिएंट अपने रेडी करके रखे हुए हैं तो। तो अभी मैं एक्चुअली मैं लेमन ऐसे डालती हूँ, तो मेरे लेमन में ज़्यादा जूस है नहीं। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से डालने से क्या होगा, सीड्स जो होगी आपकी इसमें जाएगी, मतलब गिंजल चेतलो వచ్చేస్తాయి అన్నమాట, అందుకే తను అలా పిండేసేసి రసం వేస్తుందండి ఈజీగా।
मेरे लेमन में जूस ही नहीं है जैसा कि आप सब देख सकते हैं। नया लेमन से ना। చూడండి రెండు ఒక ఒక నిమ్మకాయ పిండి తను వేసిందండి అనేసి అప్ మే సో థోడా సా ఫ్రై కర్ రహి హు నిమ్మకాయ వేసేసిన తర్వాత మనం బాగా ఇలా కలుపుకోవాలండి ఆర్ లెమన్ డాల్నే కే బాద్ మే ప్రతిమా అప్నే కో కిత్నా దేర్ తక్ రక్నా చాహియే लेमन डालने के बाद आप लास्ट में भी डाल सकते हैं लेकिन मेरा साबूदाना थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट कम हुआ है okay. तो मैं एक दो मिनट के लिए और कवर कर देती हूँ okay. तो हमारा वेट ओवर होता है अब हमारी साबूदाने की खिचड़ी जो है वो बन के रेडी हो गई है तो अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी लगती है मैंने आपको बताया कोरिएंडर लीव्स नहीं थी मेरे पास तो अगर आप कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे तो देखने में और अच्छी लगेगी और अगर आपको पीनट्स पसंद हो तो आप रोस्टेड पीनट्स लास्ट में ऊपर से ऐड कर सकते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये मेरी साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो गई है अभी देखिए मैं इसको सर्व करती हूँ आप देखिएगा वाओ इतना टेस्टी बना रही हो प्रतिमा ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी खिचड़ी एकदम खिली खिली आई है okay. आप मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए आपको फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है చూడడానికి కూడా బాగుంది వేడివేడిగా చక్కగా తింటే చాలా బాగుంటుందండి మనం అప్పటికప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రతిమా ఏ బనానేకే వస్తే కిత్నా టైం లగ్తా మాక్సిమం 15 మినిట్స్ అగర్ ఆప్కే పాస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ హై తో ఆప్ 15 మినిట్ మే ఇసే బనాకే రెడీ కర్ సక్తే హో ఈ వీడియోని ఇక్కడతో ముగిస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనుకుంటున్నాను మరొక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం